हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं और अभी अपनी जिम में हूं और जिम से आके मैंने एक्सरसाइज की आप लोगों के लिए वीडियोस डाली हैं, शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लेना और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। और घर आ गई हूँ, घर आके सब्जी बना रही हूँ गोभी आलू की प्याज वाली, तो मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और तेल जब जल जाएगा तो उसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाला है और जीरा जब तड़कने लगे तो उसमें मैंने 1 प्याज और 2 हरी मिर्च को चॉप करके उसमें डाल दिया है। और प्याज भी जब भुन जाए, थोड़ा सा लाल हो जाए, तो उसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। और बस इसको थोड़ा सा मिलाऊंगी तेल में। और उसमें मैंने 2 टमाटर बड़े से इसमें डाल दिए हैं चॉप करके, ज़्यादा बारीक नहीं करे हैं, बस रफली चॉप कर लिए हैं। और जब टमाटर डालने के बाद ऊपर से मैंने इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने सेंधा नमक डाला है, क्योंकि मैं नमक थोड़ा, हमारा सेंधा नमक है इसलिए ज़्यादा ही लगता है। और अब मैंने इसमें ना 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। अदरक का इसमें बहुत टेस्टी टेस्ट आता है, बहुत स्वाद लगती है ये सब्जी, आप भी एक बार ज़रूर बना के देखना। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी और टमाटर को अच्छे से गला दूंगी इसमें। जब मेरा मसाला पूरा अच्छे से भुन जाएगा तब मैं इसमें सब्जी डालूंगी। और अब मैंने इसकी गैस ना थोड़ी सिम कर दी है और मैंने इसमें मेरे 2 गोभी के फूल थे और लगभग 2-3 आलू थे जिनको काट के धो के और मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से चलाऊंगी और इसको ढक के रख दूंगी। लगभग 5 से 10 मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी, अभी इसको मैं बस ढक के रख दूंगी। और घर आते ही मैंने सब्जी बनाई, साथ में अपना मूंगफली चने का नाश्ता भी किया है। जिम से घर आ चुकी हूँ और कपड़ों की मशीन भी लगा ली है और गोभी आलू की सब्जी भी बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है। और ऐसे ही आप बनाएंगे तो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो बस सब्जी बन चुकी है, कपड़े भी धुल चुके हैं, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। एक शॉर्ट वीडियो डाली है और उसमें आज मैंने वेट लूज की एक्सरसाइज भी बताई है, एब्स की एक्सरसाइज है जो आप करेंगे, डेली करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन करना तो आपको ही है और करने से ही होता है। धीरे धीरे करें, ज्यादा जैसे 25-25 के रैप्स लगाने होते हैं तो आपसे ना हो सके तो अभी 15 लगाएं, धीरे धीरे 18 हो, फिर 20 हो और फिर धीरे धीरे आप 25 भी लगा पाएं। तो पर धीरे धीरे रैप्स बढ़ाना, अगर बस 25-25 के 4 रैप्स, 100 एक्सरसाइज तो 100 राउंड तो होने ही चाहिए, है ना। धीरे धीरे करोगे तभी बॉडी में फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज के साथ डाइट का भी ख्याल रखना है। तो मैंने अभी अभी मूंगफली और चना रात में भिगोया था वो खा लिया है, नाश्ता मेरा यही हुआ है। और अब गोभी आलू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, उसका मैं लंच करूंगी। बस अब मैं नहा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ मेरी ना सब्जी भी साथ साथ बन रही है और साथ साथ घर के दूसरे काम भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ 10 मिनट बाद जब मैंने सब्जी को प्लेट हटा के खोल के देखा है तो आलू थोड़ा सा कच्चा है अभी इसमें, तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच धनिया डाल दिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें अमचूर डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से मिलाऊंगी और लगभग 10 मिनट के लिए और इसे ढक के रखूंगी। और ये लोहे की कढ़ाई में गैस लो में जब ये सब्जी बनती है ना तो वाकई बहुत स्वाद बनती है, एक बार आप लोग भी बना के देखना। और 10 मिनट बाद जब मैंने इसे चेक किया है तो देखो सब्जी की आप रंगत देखो। लोहे की कढ़ाई में बनाने से ना एक तो जो रंग उसका सब्जी का आता है ना बहुत ही अच्छा आता है, खाने में तो स्वाद होती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मेरी सब्जी तैयार है, तो बस नहा आई हूँ और कपड़े डालने बाकी हैं क्योंकि मैंने मशीन तो अपनी सुबह ही लगा दी थी। और बस नहा के आई हूँ, अपने कपड़े भी धोए हैं और एक साथ डाल दिए हैं तार पे। मैंने यहाँ पे अपने आंगन में ही ना तारें बांध ली हैं और यहीं कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि ड्रायर में तो सूखे ही होते हैं, बस हवा ही लगनी होती है। और हम लोगों के लिए अब तो ये कपड़े धोना वगैरह बहुत आसान है, पहले तो लोग बैठ के कपड़े धोते थे, हाथों से कपड़े धोते थे और डालने छत पे जाते थे, तो हमें आराम भी बहुत है। इसीलिए हमारा मोटापा
मोटापा भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जितनी हम कैलोरी खा रहे हैं उतनी हम उसको बर्न नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा जो फैट है वो हमारे शरीर पे चढ़ता चला जाता है। तो यही चीज़ हमको कम करनी है, अपने कामों पे भी ध्यान देना है, अपने काम खुद करो और अपने कंफर्ट जोन से ना थोड़ा सा बाहर आ जाओ, आपका वेट लूज बहुत जल्दी होगा। दोपहर का 1 बज रहा है और भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। मम्मी ने अभी मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। तो आज के लंच में है 2 रोटी, गोभी आलू की सब्जी और साथ में है दही, और दही में मैंने भुना हुआ जीरा और काला नमक डाला है जो कि बहुत टेस्टी लगता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दोपहर का 1:15 बज गया है और अब मेरा लंच टाइम है। अभी किसी और ने खाना नहीं खाया, मैंने खा लिया, क्योंकि हर्षित के पापा को और मम्मी को मैंने सुबह चाय नाश्ता दे दिया था, मैंने नहीं किया था, और मैं अब सीधा लंच कर रही हूँ। सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा, 2 रोटी और साथ में दही, ये मेरा आज का लंच है। वेट लूज में सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपकी डाइट, इतनी एक्सरसाइज भी मायने नहीं रखती, आप क्या खाते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। जितना काप खाएंगे, जितनी कैलोरी वाला खाना खाएंगे, उतना आपका वेट बढ़ता जाएगा। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वेट कम नहीं होगा, आपको डाइट पे कंट्रोल करना ही होगा। डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो देखते ही देखते आपका वजन कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होगा। बढ़ने में भी तो टाइम लगा है ना, तो कम होने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है, इंतज़ार थोड़ा सा करना है और मेहनत ज़्यादा करनी है। लगन जब लग जाएगी, जुनून जब आ जाएगा ना इन चीज़ों का, तो अपने आप वेट कम होता चला जाता है। तो चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद ना मुझे थोड़ा सिलाई का काम भी करना है, और सिलाई करूँगी उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो बस अपना वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।